थाना भवन थाने के नए SHO बने वीरेंद्र कसाना। जनपद शामली के थाना भवन थाना प्रभारी निरीक्षक का कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त SHO वीरेंद्र कसाना ने कहा कि क्षेत्र से अपराध का पूरी तरह खात्मा किया जाएगा। शनिवार की देर शाम SP रामसेवक गौतम ने जनपद के कई थानों के थानेदारों में फेरबदल किया। SP ने राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ को हटाकर उनके स्थान पर थाना भवन थाने की कमान प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना को सौंप दी है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त थाना प्रभारी निरीक्षक का स्वागत किया गया। वहीं पूर्व थाना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद वशिष्ठ को विदाई दी गई। थाने का कार्यभार संभालने के बाद नवनियुक्त कोतवाल वीरेंद्र कसाना ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता फरियादियों को न्याय दिलाना व कानून व्यवस्था तोड़ने वालों को सबक सिखाना है। नशा समाज में अपनी जड़ फैला चुका है। नशे के बड़े सौदागरों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से हर तरह के अपराध का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने थाने पर मौजूद सभी उप निरीक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की लिस्ट बनाने तथा हिस्ट्री शीट और बदमाशों द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों की गोपनीय जांच कराने के निर्देश दिए हैं। गोक्षी करने वाले अपराधियों, शराब तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व गुंडा एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नवनियुक्त थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना ने कहा कि क्षेत्र में हुई चोरियों की घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाएगा, अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा। फसल बेटे